क्रिएट की जा रही है हर जगह जी, ये बात की जाए वहाँ क्या जी 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 मतलब फिल्म फेस्टिवल में 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इससे, और मुझे भी कुछ अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है और बहुत ही गर्व की बात है, न सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे इस फिल्म में एक रिप्रेजेंट करती है बाहर जा करके इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में, और अपने लिए सम्मान लेके आती है, इंडस्ट्री के लिए सम्मान लेके आती है, देश के लिए लेके आती है, इस बात को लेकर के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके सर, ये मूवी के लिए आपने अपने फिजिक पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है जी, तो डू यू थिंक वो एक रिस्की भी था आपने जैसा जी कहा? बहुत ज़्यादा रिस्की, देखिए क्या है कि इस तरह की फिल्में मिलती नहीं हैं जल्दी या लिखी भी नहीं जाती हैं, और एक नई फिल्म है, जैसे कि श्री गोविंद निलानी जी ने कल कहा था कि अच्छा हुआ तुमने बुला लिया, नहीं तो मैं देख नहीं पाता इतनी कमाल की फिल्म, और बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी नए तरीके का फिल्म है, और नए तरीके का डायरेक्शन, नए तरीके से कहानी, नए तरीके के परफॉर्मेंसेस, तो बहुत सारी चीज़ें जो इस फिल्म में हमने कुछ नया करने की कोशिश की है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है जो लोग, बट हाँ ये फिल्म जल्दी छोड़ती नहीं है, ये फिल्म आपको ये नहीं होगा कि लोग आने के साथ ही आपको कुछ बोलना शुरू कर देंगे, लोग लेते हैं समय, रात कुछ एक मैसेज आए हैं जो रात भर लोग सोए नहीं हैं फिल्म देखने के बाद, तो उस हिसाब से डिस्टर्ब करती है, सोचने पर मजबूर करती है, और हम जानते थे कि ऐसा होगा, और जब ऐसे लोग बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि फिल्म अपना प्रभाव छोड़ रही है। सर, जो कि आपने आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है शूटिंग के दौरान, एक बंदा पीछे से आया आपको, आप समझ रहे हैं? जी, मार के चला गया मेरे पिछवाड़े पे, वो चांदनी चौक में हुआ था, और वो उसको निकलने नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको गली खाली चाहिए थी, तो खैर वो आया और पीछे से मार के चला गया, सिक्योरिटी वालों ने भगाया उसको किसी तरह से, लेकिन खैर वो सब वो एक हरकत होती रहती है, वो जब इस तरह के इलाके में आप शूट करते हो तो चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं। फिर फाइनली 7 सितंबर को ये फिल्म जी रिलीज, अब इंडिया में इतने सारे अप्रिसिएशन के बाद तो जी आपका क्या फील, आपकी क्या फीलिंग है? नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छा सिनेमा देखें, अच्छा मैंने सत्यमेव जयते भी किया, कमर्शियल फिल्म जिसको लोगों ने पसंद किया, मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्में, कॉन्टेंट सिनेमा जाकर के लोग देखें, इस तरह की फिल्मों का बढ़ावा दें, क्योंकि हर तरीके की फिल्मों का इस देश में होना ज़रूरी है, और ख़ास करके उस फिल्म, वो फिल्म जो पूरे विदेश में जा करके देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए सम्मान लेके आती है, उस तरह की फिल्म को अगर दर्शकों का प्यार मिले तो और भी अच्छा रहेगा।